नमस्कार दोस्तों, आरसीए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको आपसे संबंधित सारी जानकारियां समय समय पर सही सटीक विस्तार से देने का प्रयास किया जाता है। आरसीए न्यूज चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से आपको भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। किस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होने वाला है, कौन से भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, इन सब के बारे में जो भी जानकारी आपको आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से दी जाती है वह सही होती है, सटीक होती है। साथ ही साथ आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी किया जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना देर किए आरसीए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। कुछ दोस्त कमेंट करके कहते हैं, सर आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है मेरे पास। तो मैं भैया आपको कहता हूं कि एक बार जरूर चेक करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो क्या बेल आइकन को दबाया है। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो एक बार जरूर बेल आइकन को दबा दें, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने लगेगा। साथ ही साथ एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको, मैं वीडियो थोड़ा विलंब से देता हूं लेकिन जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं सही देता हूं, सटीक देता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, आज की दूसरी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और आज की तीसरी बड़ी खबर होगी डीएलएड एडमिशन 2019 को लेकर जिसकी काउंसलिंग चल रही है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, कम से कम मेरिट वालों को भी कॉलेज मिलेगा, यह मेरा दावा है। तो आइए आज की पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। किस भर्ती का रिजल्ट कब आने वाला है, कौन से भर्ती का एग्जाम कब होने वाला है, किस भर्ती के इंश्योर की कब आने वाली, इन सब के बारे में एक ब्यौरा दिया गया है। एक प्रकार से वह छमाही कैलेंडर है, समझ रहे, छह महीने का उसमें ब्यौरा दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है वह झूठा साबित हो रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक बहुचर्चित भर्ती जिसके लिए अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन बहुत बार किए हैं और दोबारा फिर धरना प्रदर्शन 6 अगस्त 2019 को होने जा रहा है, वह बहुचर्चित भर्ती बीडीओ एग्जाम 2018 है जिसमें कुल 14 लाख आवेदन आए थे और 9,53,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है 1953 पोस्ट के लिए। आपको बता दें इसकी परीक्षा 22 और 23 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दो दो पालियों में आयोजित कराया गया था। अभ्यर्थियों को तारीख पे तारीख दी जा रही है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी का एक इंटरव्यू हुआ था जनवरी माह में, उन्होंने बोला था कि 28 फरवरी 2019 तक वीडियो एग्जाम 2018 का रिजल्ट हम घोषित करने के प्रयास में हैं। लेकिन आज अगस्त आ गया और अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और उसमें बताया गया कि वीडियो भर्ती 2018 का रिजल्ट जुलाई के द्वितीय पक्ष में जारी कर दिया जाएगा। कल द्वितीय पक्ष भी खत्म हो गया, रिजल्ट का अता पता नहीं है, बस डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है। वहीं स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगस्त के प्रथम सप्ताह में आना था, मतलब प्रथम पक्ष में आना था लेकिन उसका रिजल्ट कब जारी कर दिया गया, जुलाई के द्वितीय पक्ष में। तो क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है वह सही है? अब जो सूचना प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अगस्त माह में 3 रिजल्ट जारी होने वाले हैं लेकिन उसमें भी वीडियो का नाम नहीं है। आपको बता दें अनुदेशक रिजल्ट, टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट और सहायक लेखाकार और लेखाकार का रिजल्ट,
इसी को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर 6 अगस्त 2019 को भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाएगा अभ्यर्थी वहां से हटेंगे नहीं। अभ्यर्थियों का कहना है अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। हमने बचपन में बहुत लॉलीपॉप खाया है लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि आयोग द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे 6 अगस्त 2019 को भारी से भारी संख्या में पहुंचे ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। जो अभ्यर्थियों ने हमसे कहा मैंने आपको बताया अगर आपको रिजल्ट चाहिए समय से रिजल्ट चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर 6 अगस्त 2019 को भारी से भारी संख्या में जरूर पहुंचे। साथ ही साथ अगस्त में वीडियो एग्जाम 2018 का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वह तो 6 अगस्त 2019 को ही आप लोगों को पता चल जाएगा। आश्वासन तो आपको दिया जाएगा लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाएगा तब तक हम हटेंगे नहीं। तो अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों में कितना दम है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीडियो एग्जाम 2018 का रिजल्ट घोषित किया जाता है या नहीं। साथ ही साथ आज की एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मंडी परिषद 2018 जिसकी आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। मैंने कल ही आपको बताया है कि उसकी आंसर की विगत 8 से 10 दिनों में जारी कर दी जाएगी तो आप थोड़ा इंतजार करें आपका आंसर की आ जाएगा। और जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं जो इस चैनल को देखते हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं थोड़ा विश्वास करना सीखो। अगर आप शिक्षित हो इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली तैयारी करते हो अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो कृपया कर अपने अंदर सभ्यता लाओ और कमेंट बॉक्स में भद्दे कमेंट मत करो। अगर वीडियो पसंद ना आए तो मत देखो सलाम करो वीडियो को और वीडियो को छोड़ के चले जाओ। लेकिन भैया भद्दे कमेंट बॉक्स में मत करो। मैं वीडियो भर्ती 2018 के लिए बहुत लड़ाई लड़ा हूं सभी लोग जानते हैं और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आ जाए। इसलिए आपके रिजल्ट के लिए मैं हमेशा परेशान रहता हूं हमेशा जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करता हूं जिससे आपका रिजल्ट घोषित हो जाए। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लंबे अरसे से एई के पद के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया जबकि सिंचाई विभाग में एई के बहुत से पद खाली हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार जी से बात की। उनसे बताया कि सिंचाई विभाग में एई के बहुत से पद खाली हैं जिससे कार्य में बाधा आ रही है। विभाग के कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं इसलिए इस पद के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए और जो पद खाली है उसमें योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए जिससे सिंचाई विभाग के कार्य आसानी से हो सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाएगा और विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर डीएलएड एडमिशन को लेकर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि डीएलएड में 2.5 लाख के करीब सीटें हैं और पहले चरण की काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन पहले चरण की काउंसलिंग हुई और 90,000 सीटें खाली रह गई। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम मेरिट वालों का अब की बार एडमिशन हो जाएगा चाहे प्राइवेट में मिले। 10,000 कुछ सीटें सरकारी कॉलेजों में थी डाइट कॉलेज में थी लेकिन वह भी नहीं भरी। लगभग 530 सीटें खाली रह गई हैं। तो आपको बता दें आप सभी के लिए सुनहरा मौका है जिन्होंने डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है
वे एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। अगर आपका कम से कम मेरिट है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सरकारी नहीं मिलेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम मेरिट वालों का भी चयन हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।